ठंड बहुत थी, सुबह हम चाय की दुकान पे बैठे थे और एक महिला मिली। हम बार बार बता रहे हैं कि भगवान राम की दोनों मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मतलब गर्भगृह में होंगी, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल ये है कि ये जो भगवान राम है जिनकी अस्थाई मंदिर में पूजा हो रही है, ये वाले भगवान राम कहाँ जाएंगे और जो नए वाले भगवान राम है वो कहाँ लगेंगे? पूरी श्रद्धा, पूरी धार्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए दोनों विराजित होंगे हमारे गर्भगृह में। एक अचल मूर्ति होगी जो कि खड़ी मूर्ति जो नई वाली है, जो नई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं वह भगवान उसी सिंहासन में उनके समक्ष होंगे, और केवल एक दूसरे की समझ के लिए अचल मूर्ति को अचल मूर्ति समझा जाएगा, वो कहीं मूव नहीं करेगी, और अचल मूर्ति के ठीक सामने उत्सव मूर्ति होगी, जहाँ पूरे केवल रामलला ही नहीं, रामलला के साथ उनके भ्राता जो हैं वो भी वहाँ पे होंगे, हनुमान जी का भी स्वरूप जो वहाँ है वो भी होगा, शालिग्राम जी जो वहाँ रखे हुए हैं वो भी होंगे। तो इस प्रकार जो भी वहाँ है वह 21 तारीख तक ट्रस्ट उन भगवान को यहाँ लाने की व्यवस्था तो करेगा। ये जो उत्सव मूर्ति है जो अभी अस्थाई मंदिर में है, ये कब पहुँचेगी अपने घर में? उसी को मैंने कहा कि 21 जनवरी तक उसको यहाँ लाने की व्यवस्था करेगा। इसीलिए ट्रस्ट असमंजस में है कि संभवतः आरती होगी, उनकी पूजा होगी, लेकिन श्रद्धालु कदाचित 21 तारीख को उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से नए स्थान में विराजमान हैं। रामलला के लिए श्रद्धालु जो एक दिन का तो त्याग कर ही सकते हैं। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख से सभी लोग इस रास्ते की बजाय इधर मुड़ेंगे, परकोटा में जाएंगे, परकोटा से नीचे चल करके और सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे और भगवान के मंदिर में। 23 तारीख से ये जाली वगैरह ये हट जाएगी, एंट्री इधर ही से होगी? जी बिल्कुल, 23 तारीख से यहाँ कुछ नहीं रुकावट होगी, केवल श्रद्धालु होंगे और उनके भगवान राम लला होंगे। तो जो सेकंड फ्लोर का काम है, फर्स्ट फ्लोर का काम है, उसमें बाधा नहीं आएगी, दर्शन भी होता रहेगा। हम पूरा जो L&T है वो पूरी तरीके से इस प्रकार बैरिकेड कर रही है। हम इस समय जब वहाँ बैठते हैं आपस में तो 1 से 2 घंटे तक केवल यही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सेफ्टी हो, किस प्रकार से किसी श्रद्धालु को एक जरा सी भी असुविधा नहीं हो, तो वह किया जा रहा है और वह सुनिश्चित किया जाएगा। अब सर एक सवाल ये लोगों के मन में भी है 22 तारीख को लेकर के, और चर्चा भी हुई कि अरुण योगीराज की मूर्ति सेलेक्ट हो गई, अगर आप कुछ बता सकें सर की मूर्ति के विषय में? मूर्ति के बारे में मैं केवल उतना ही बता सकता हूँ जितना हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी ने संभवतः 2 दिन पहले बयान दिया था। मैं समझता हूँ आने वाले 3-4 दिनों में ही ट्रस्ट इस निर्णय को घोषित कर सकेगा कि इनमें से कौन सी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, तीनों मूर्ति उसी प्रकार की निष्ठा, श्रद्धा, धार्मिक भाव के अनुसार यहाँ पर लिए जाएंगे और उनको ट्रस्ट स्वीकार करेगा, और तीनों मूर्तिकारों को जो भी सम्मान धनराशि देनी है वह देगा। जय